The BJP CEC meeting will be held today evening at the party's headquarters in Delhi. We're also getting to know this will take place today evening as well, even as the Congress party also huddling concurrently. Meanwhile, my colleague Manisha Dindoria is joining us on the broadcast. Manisha, high octane political developments. The BJP and the Congress have both released their first list. The Congress meeting will be taking place today evening, but we're also getting to know that the BJP top brass will also be huddling and strategizing regarding their second list. What details can you share with our viewers? जी बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर कब से जा रहा है और बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी थी और दूसरी लिस्ट की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है आज। और अब जानकारी ये भी है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति सोमवार यानी कि आज शाम को बैठक करेगी जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है शनिवार देर रात को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो है हुई थी, देर रात तक ये बैठक चली थी और गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा के लिए बीते 3 दिन से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो चल रही है। और साथ ही बीजेपी मुख्यालय पर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी और इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी इकाई के प्रमुख जो है सीआरपी पाटिल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ साथ तेलंगाना के बीजेपी नेता भी शामिल रहे थे। और जैसे कि बीजेपी ने साउथ में खुद को मजबूती देने के लिए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी उसके साथ गठबंधन कर लिया है और सीट शेयरिंग पर भी डील पक्की कर ली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी आंध्र में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बाकी की अन्य सीटों पर टीडीपी चुनाव लड़ेगी। जी फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।